दोस्तों, अगर आप काम की तलाश में हैं तो एक और अच्छा काम जिसका आइडिया मैं अभी देने वाला हूं आपको। अब उत्तर भारत में सर्दियां आने वाली है, कहीं तो शुरुआत हो भी चुकी है। तो ये काम जो होता है 4-5 महीने का होता है, तो इसमें गर्म कपड़ों का काम किया जा सकता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं है आपकी, नया काम करने की सोच रहे हो, तो इस चीज़ में, इस कपड़ों में, सर्दियों का जो कपड़ा होता है इसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है, क्योंकि साल में एक बार बिकता है और साल में एक बार ही सर्दी आती है। इसके लिए आप कहीं किराए पे ले सकते हैं, किराए पे नहीं ले सकते हैं तो कहीं आप कोई फड़ वगैरह लगा सकते हैं अच्छी जगह पे, किसी प्राइम लोकेशन पे। इन नॉर्थ इंडिया के अलग अलग शहरों में तिब्बत के लोग आते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी का कपड़ा लेके आते हैं। लोगों को लगता है कि सस्ता है, कुछ सस्ता होता भी है और कुछ अच्छा होता है, लोग लेते हैं और काफ़ी सालों तक यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा धंधा हो सकता है, इसमें आप महिलाओं के, लड़कों के, बच्चों के, बड़े बुजुर्गों के कपड़े बेच सकते हैं। लेकिन जो मेरी अपनी सलाह है वो ये है कि आप बच्चों के, 10-12 साल तक के बच्चों के और बड़े बुजुर्गों के कपड़े ज़्यादा बेचें, क्योंकि जवान लोग जो होते हैं, महिलाएं और लड़कियां हैं, वो क्या कहते हैं, फैशन के पीछे थोड़े से दीवाने रहते हैं, तो वो अलग अलग फैशन को ट्राई करते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं अगर आप इतना बड़ा फैशन का वो लेके आओगे, हाँ अगर कोई मिल जाता है आपको फैशनेबल क्लॉथ्स तो ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा लाओगे, बहुत सारा माल लेके आओगे और उसको बेचोगे। मानता है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि आखिरी समय तक सर्दियाँ जाते जाते माल बच जाता है और फिर वो आपके सिर पे आ जाता है, फिर वो अगले साल, मतलब जो प्रॉफिट कमाया उसका माल के रूप में वो बच गया आपके पास में, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि फिर ये अगले साल ही बिकेगा। तो बच्चों में और बुज़ुर्गों में क्या होता है, इतना ज़्यादा फैशन नहीं देखते हैं। हाँ बड़े लोग हैं, जो बड़े परिवार के लोग हैं, वो तो फड़ों में आते नहीं हैं, वो बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, तो उनको फैशन, उनके बच्चों के लिए फैशनेबल कपड़े होते हैं वहाँ पर। लेकिन आम आदमी की बात कर रहा हूँ, तो आम आदमी के लिए ज़्यादातर बच्चों और बुज़ुर्गों को फैशन वगैरह का शौक़ नहीं होता है। बुज़ुर्ग तो वैसे भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे होते हैं, तो उनको ज़्यादा कोई इच्छा नहीं करती, बस ठंड से बच जाएँ, दैट्स इट। इसके बाद में शुरुआत में काफ़ी मार्जिन होता है, जैसे जैसे ठंड गुजरती जाती है, आखिरी समय आता है, तो आप धीमे धीमे रेट कम करते जाइए। उसके बाद आखिरी समय में अगर आप रेट टू रेट भी सामान बेच देते हैं तो आपके ऊपर इकट्ठा नहीं होगा और उनको आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है ना, इनर क्लॉथ्स भी होते हैं, आउटर भी होते हैं, स्वेटर्स भी, लोअर्स भी, तो बहुत तरह की वैरायटी होती है। तो सर्दियों के आखिरी समय में दुकान बंद मतलब करने से पहले पहले अगर आप सारे सामान को निकाल दोगे तो आपने प्रॉफिट तो पहले कमा ही लिया, साथ में ये भी हो गया। अब मिलता कहाँ है ये, आपको हरियाणा में है, दिल्ली में है और ये चंडीगढ़ वगैरह में, लुधियाना में बहुत सारा अच्छा माल मिल जाता है सर्दियों को। दिल्ली तो बहुत बड़ा मंडी है, लुधियाना बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ से जाके लिया जा सकता है, अच्छे रेट में मिल जाता है और अच्छा मार्जिन देता है। मान लो 15 रुपये की चीज़ आप आराम से 90-100 रुपये बेच सकते हैं, तो ये एक अच्छा धंधा हो सकता है जो नया ट्राई कर रहे हैं, नया सोच रहे हैं उनके लिए।